आज हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चोरी छिपे इमरान खान को पाकिस्तान के नेशनल डे पर लव लेटर लिखा, पर उस लव लेटर में मोदी जी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान और आईएसआई द्वारा भेजे जा रहे भारत में आतंकवादियों को रोकने की चर्चा करना भूल गए। मोदी जी, क्या यही आपका राष्ट्र प्रेम है? और इस सारी बात पर पर्दा डालने के लिए फिर मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को भेज दिया। मोदी जी और अमित शाह जी से हमारे 10 सवाल हैं इस देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से। मोदी जी, आपने इमरान खान को लव लेटर लिखते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, जैशे मोहम्मद, लश्करे तोयबा और दाऊद इब्राहिम और अन्य उग्रवादियों की चर्चा क्यों नहीं की? क्यों पाकिस्तान को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रोकने की सलाह नहीं दी? दूसरा सवाल, अमित शाह जी हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, पर अमित शाह जी ये तो बता दीजिए, जब कर्नल महादिक का संस्कार भी नहीं हुआ था तो उस समय बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पप्पी झप्पी के लिए और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मोदी जी पाकिस्तान क्यों गए थे? तीसरा सवाल, 27 मार्च 2016 को मोदी जी ने पाकिस्तान की बदनाम कुख्यात और उग्रवादियों का संरक्षण करने वाली आईएसआई को पठानकोट टेरर अटैक की जांच के लिए क्यों बुलाया था? और 30 मार्च 2016 को अमित शाह जी, आपने आईएसआई की तारीफ में कलकत्ता में कसीदे पढ़ते हुए उनमें विश्वास क्यों जताया था? क्या ये सही नहीं मोदी जी और अमित शाह जी कि पाकिस्तान हमारे शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का सर काट कर ले गए, शव को शत विषप्त कर दिया, परंतु आपने एक शब्द भी नहीं किया? क्या ये आपका छद्म राष्ट्रवाद है? क्या ये सही नहीं कि मोदी जी की मौजूदगी में आपके अलाई पीडीपी के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान और अलगाववादियों का धन्यवाद किया था, पर मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला? क्या ये सही नहीं कि 14 दिसंबर 2016 को बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने उग्रवादी बुरहान वानी के भाई को मुआवजा और नौकरी की पेशकश की थी? क्या ये सही नहीं कि मध्य प्रदेश में आईटी सेल के आपके प्रमुख ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे? क्या ये सही नहीं कि मोदी जी की सरकार में उनकी सरकार की नाक के नीचे दाऊद इब्राहिम की पत्नी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, जो धंधा करना था वो करके अपना व्यवसाय वापस चली गई, परंतु सरकार ने दाऊद इब्राहिम की पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया? क्या ये सही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहां तक कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष एकनाथ खड़से को महाराष्ट्र में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी बातचीत की कोई टेप उजागर हो गई थी, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? और क्या यह सही नहीं कि वो मसूद अजहर हो, वो मुश्ताक अहमद जरगर हो, वो अहमद उमर सईद शेख हो, इन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जी वो मेहमान बनाकर कांधार अफगानिस्तान छोड़कर आए थे? अगर किसी को माफी देश से मांगनी चाहिए पाकिस्तान आईएसआई और उग्रवादियों के संरक्षण के लिए, तो वो मोदी जी और अमित शाह जी को मांगनी चाहिए, और ये देश आपसे जवाब मांगता है। एनी क्वेश्चंस, यू वेलकम टू आस्क। सर, उन्होंने कहा है कि जो सैम पत्रोदा जी का तो व्यक्तिगत बयान था, यहां तो मोदी जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कर्नल महादिक का संस्कार नहीं हुआ था,
परंतु बगैर बुलाए मेहमान की तरह नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान गए थे, वहां बर्थडे सेलिब्रेशन का केक काट रहे थे और भारत का अपमान कर रहे थे, शहादत का कर्नल महादीप का अपमान कर रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया था? ये जवाब भी दे दीजिए कि आपने कुख्यात बदनाम आईएसआई को पठानकोट टेरर अटैक की जांच के लिए क्यों बुलाया था, और खुद अमित शाह जी ने उस आईएसआई के अंदर विश्वास क्यों जताया था? क्या यह जघन्य पाप नहीं? क्या यह देश की शहीदों की शहादत का अपमान नहीं? और क्या यह सही नहीं कि मोदी जी की मौजूदगी में उनके अलाई पीडीपी के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान और अलगाववादियों का जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए धन्यवाद किया था? आपने तो ये सब काम किए हैं। क्या यह सही नहीं कि आपकी पार्टी के ध्रुव सक्सेना जो आईटी सेल के प्रमुख है मध्य प्रदेश में, वो आईएसआई के जासूस पाए गए थे? क्या यह सही नहीं कि दाऊद इब्राहिम की बीवी आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान आती है और वापस चली जाती है, आप उसे गिरफ्तार नहीं करते? अरे आप तो पाकिस्तान के से आने वाला जो उग्रवाद है उसको कहीं ना कहीं परोक्ष तौर से संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए पाप के भागीदार आप हैं। और अगर राष्ट्र के हित का किसी ने नुकसान किया है तो अमित शाह और मोदी जी की सरकार है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। किस तरह का संरक्षण की बात कर रहा है आपका? आप कह रहे हैं सरकार पर बड़ा है। दाऊद इब्राहिम की बीवी हिंदुस्तान आए, सरकार की नाक के नीचे आए और वापस चली जाए और मोदी सरकार उसे गिरफ्तार ना करे। हम सब जानते हैं कि आईएसआई जो है वो उग्रवादियों की सरगना है, मोदी जी उसमें विश्वास व्यक्त कर, हमने तब भी कहा था, फिर कह रहे हैं, पठानकोट टेरर अटैक की जांच के लिए बुलाए और कलकत्ता के अंदर खुद मार्च 30, 2016 को अमित शाह जी उसमें विश्वास जताएं, क्या ये राष्ट्रहित का नुकसान नहीं? खुद प्रधानमंत्री जब कर्नल महादीप का संस्कार भी ना हुआ हो, बगैर बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान चले जाएं और वहां नवाज शरीफ के साथ सेलिब्रेशन कर केक काटें और हमारे देश का अपमान करवाएं, क्या यह राष्ट्रहित पर आघात नहीं? इनके लिए मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा दसों के दसों सवालों का। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बालाकोट के बाद स्ट्रॉन्ग होकर उभरे हैं और नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना होगा कि इनिशियली उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ। किसी व्यक्ति विशेष की राय पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु तीन बातें आदरणीय मित्र बिल्कुल सही हैं। नंबर एक, पुलवामा उग्रवादी हमला मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस फेलियर की सबसे बड़ी 70 साल की चूक है। मोदी जी ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? पुलवामा उग्रवादी हमले के समय जब पूरे देश में मातम मना था, चूल्हे नहीं जले थे, तो मोदी जी फोटो खिंचवाकर टेलीविजन की और पिक्चर बनाकर शूटिंग क्यों कर रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में? 5:10 पर पुलवामा हमले के दिन बगैर शहीदों की शहादत को नमन भी किए मोदी जी रैली का उद्बोधन क्यों कर रहे थे राजनीतिक? और क्या राष्ट्रीय शोक पुलवामा हमले के बाद इसलिए नहीं घोषित किया गया कि मोदी जी की रैलियां ना रुक जाए? अरे छोटा सा भी हादसा देश में होता है तो राष्ट्रीय शोक, पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह जाता है, परंतु इतना बड़ा हमला हुआ, 42 जवानों की जान चली गई, शहीद हो गए, परंतु आपने नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। पुलवामा के अंदर आरडीएक्स एमआई कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर आए कैसे? आपने एक गाड़ी को पुलवामा में हमारी फौज के कन्वॉय तक पहुंचने कैसे दिया? क्या मोदी जी ने आज तक प्रेस के साथियों से इसका जवाब दिया? उल्टे जब अमित शाह जी से आज सवाल पूछ रहे थे पत्रकार के, लव लेटर क्यों लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो वो उठकर चले गए और सब पत्रकारों का अपमान भी कर दिया, इसका सवाल का जवाब भी देते जाए। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए शायद बयान संप्रदा से ऐसा दिलवाया गया। सच्चाई ये है कि नफरत, बंटवारे और राष्ट्रहित को आघात पहुंचाने की राजनीति अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, और अमित शाह जी को ये पता है क्योंकि वही उसके संचालक और डायरेक्टर है। Well, the Kerala PCC unit has sent in their desire and request
that Congress president should contest there. We thank them for their effort as also expression of their love and affection. And Congress president will positively consider it. Sir, इसको हिंदी में बोल दीजिए कि केरला यूनिट का हम धन्यवाद करते हैं उनके स्नेह आशीर्वाद और प्यार के लिए कि उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ें क्योंकि केरल के लोग बाकी देश के लोगों के साथ साथ राहुल जी से स्नेह करते हैं, परंतु इस पे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल जी उनकी बात को उस सम्मान और आदर से जिससे कही गई है उस पर जरूर विचार करेंगे। राहुल जी ने एक से अधिक बार कहा है अमेठी उनकी कर्म भूमि है और रहेगी। सर, वो कमलनाथ जी ने कहा कि भोपाल से दिग्विजय सिंह को लड़ा रहे हैं लोग इलेक्शन और सीसी में बात तय हो रही है। कमलनाथ जी वुड नो बेटर सिंस ही इज चीफ मिनिस्टर एंड पार्ट ऑफ सीईसी एंड आई एम सर्टेन दैट मेनी मेनी पीपल हैड रिक्वेस्टेड दैट श्री दिग्विजय सिंह जी शुड कंटेस्ट देयर। पार्टी विल टेक ए कॉल ऑन दिस। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और हमारी सरकार के प्रमुख भी हैं। वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने ये बार बार कहा है कि दिग्विजय जी भोपाल से चुनाव लड़ें। सीईसी जैसे ही इस पर निर्णय ले लेगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। सर, केरल की कौन सी लोकसभा सीट है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई? मुझे लगता है कि इसके बारे में आप केरल यूनिट से बात करें तो सही होगा। मैंने जैसा पहले भी कहा, राहुल जी ने अनेकों बार कहा है कि अमेठी उनकी कर्म भूमि है और सदैव रहेगी, परंतु देश से समय समय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता और आम जनता के हमारे सम्मानित साथी इस प्रकार की इच्छा जाहिर करते हैं कि राहुल गांधी जी अमुक सीट से अवश्य चुनाव लड़ें। हम उनकी भावना का आदर और सम्मान करते हैं और हर बार जब इस प्रकार की का कोई प्रपोजल आता है तो उसको बड़े सकारात्मक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी देखती है और उनके सम्मान और आदर के लिए धन्यवाद भी करती है। लेट मी अगेन रिपीट माई फ्रेंड, द केरला पीसीसी यूनिट, केरला कांग्रेस वर्कर्स एंड लीडर्स and people of Kerala have asked, urged upon Shri Rahul Gandhi to contest from a seat in Kerala, Wayanad or any other seat. All that I am pointing out to you, we thank them for the immense affection, for the respect, as also for the desire with which they have urged Shri Rahul Gandhi. Rahul ji on more than one occasion has said, Amethi is his karam bhumi and shall always remain so. However, every time such a request or proposal come as desired by people of a particular state, in this case Kerala, we humbly bow and we say, we thank you for your respect, affection and desire, and Congress president will consider it in the same fashion. Sir, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा है, कई तरह की खबरें आती हैं, उस पर कुछ भी स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और पंजाब में भी सीटें मांगी, आप खुद हरियाणा के बड़े नेता हैं, इस पर क्या स्थिति है और क्या कांग्रेस पंजाब और हरियाणा पर भी बात कर रही है आम आदमी पार्टी से? पंजाब और हरियाणा की इकाइयों ने कई बार स्पष्ट कर दिया है, महासचिव गणों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की कोई वार्तालाप पंजाब और हरियाणा के बारे नहीं हो रही। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, जैसे ही इस पर कोई निर्णय होगा हम आपको अवश्य बताएंगे। स्वयं श्री राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में आपके इस प्रश्न का जवाब देते हुए इसका जवाब पहले से वो दे चुके हैं। अगर कोई स्थिति बदलेगी तो हम अवश्य आपको सूचित करेंगे। पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा जी, मैंने आपको बताया। गुड़गांव में जिस तरह का हादसा हुआ है और एक परिवार को कुछ लोगों ने मिलकर सिर्फ पीटा है और अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो शायद एक की बस। आज हरियाणा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने मानवता की आत्मा को एक बार फिर छलनी कर दिया। खट्टर सरकार नफरत फैलाने, भाईचारा तोड़ने और लोगों को जात और धर्म के आधार पर आपस में लड़वाने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। जब से खट्टर सरकार आई है 3 बार तो हरियाणा जल चुका, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई,
पुलिस की गोलियों में 3 दर्जन लोग मारे गए। फरीदाबाद में एक नौजवान पर इसी प्रकार से धर्म और जाति के आधार पर हमला हुआ और उसकी हत्या हो गई। और आज जो गुड़गांव में हमला हुआ है वो दिखाता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हरियाणा में बची नहीं। कानून व्यवस्था तार तार है, मानवता शर्मसार है और सरकार जो है वो पूरी तरह से बेकार है। हम ये मांग करते हैं खट्टर साहब, या तो कार्रवाई करिए नहीं तो अपना पद छोड़ दीजिए। ह्यूमैनिटी वॉज अगेन शेम्ड टूडे इन हरियाणा एज ए पर्टिकुलर फैमिली वॉज अटैक्ड बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। बीजेपी गवर्नमेंट एंड श्री मनोहर लाल खट्टर हैव बिकम हैबिचुअल ऑफेंडर इन टर्म्स ऑफ डिवाइडिंग हरियाणा ऑन लाइन्स ऑफ कास्ट एंड ऑन लाइन्स ऑफ रिलीजन। वी सॉ एज टू हाउ ए बॉय वॉज मॉब लिंच्ड इन फरीदाबाद ए लिटिल वाइल अगो। वी आर नाउ अगेन सीइंग एन अटैक इन हरियाणा बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ फैमिली। वाई शुड द लॉ नॉट टेक इट्स ओन कोर्स? वाई शुड द ऑफेंडर्स नॉट बी पनिश्ड? एंड वाई शुड चीफ मिनिस्टर रिमेन ए म्यूट स्पेक्टेटर? मिस्टर खट्टर, इफ यू कैन नॉट गवर्न एंड इफ लॉ एंड ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन्ड, इट्स टाइम फॉर यू टू क्विट ऑफिस। सर, आज पीएम ने एक और ब्लॉक पीएम का सामने आया है जिसमें डॉक्टर लोहिया के बहाने उन्होंने कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, कई इशूज उठाए वंशवाद को लेकर और तमाम तरह पर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के ये प्रायोजित ब्लॉग जिनको उन्होंने ना खुद पढ़ा ना लिखा, ये अब एक घिसे पिटे मोहरे बन गए हैं हर रोज प्रचार प्राप्ति का माध्यम बनकर। लोहिया साहब का सबसे ज्यादा वैचारिक विरोध आज तक किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ने। लोहिया साहब की विचारधारा पारंपरिक और तौर से किसके खिलाफ थी? उस नफरत की शैली और बंटवारे की शैली जिसके प्रणेता आरएसएस और भाजपा के प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं। यह अजीब आडंबर है। गांधी के विचारों की हत्या करो शरीर के साथ साथ और फिर महात्मा गांधी को अपना लो, यह अजीब आडंबर है। सरदार पटेल का आजीवन विरोध करो, सरदार पटेल आप पर प्रतिबंध लगाएं और आप सरदार पटेल की मूर्ति लगाकर कहो कि हम इसके पीछे छुपकर अब सरदार पटेल के अनुयायी बन गए हैं। जब गांधी जिंदा थे जिन्होंने गांधी की विचारधारा की हत्या की, जब सरदार पटेल जिंदा थे तो जिन्होंने सरदार पटेल की हत्या तक का जिन्होंने पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों की हत्या तक का जब इल्जाम जिनके सर आया, क्योंकि इस प्रकार का इल्जाम लगाया गया था, और अब लोहिया जी जिनकी पूरी विचारधारा ही इनके खिलाफ है आज ये उनकी चर्चा करते हैं, ये बड़ी अजीब बात है।